सकता। कांग्रेस उस भैन में नहीं रहे, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। कोई भी देश में रहकर, कोई भी देश में रहकर भारत माता के टुकड़े टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत माता की जय, ये हिंदुस्तान का देश, यहाँ पर सब समाज रहता है, एकता भाईचारा रहता है, सिख को मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में रहने वाला, और आप कहें कि वहाँ के लोगों को सदस्यता दी जाए, जो हिंदू जैन पारसी जो आएंगे उनको सदस्यता मिलेगी, लेकिन वहाँ समुदाय पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बंगाल का क्या होगा? जेएनयू एमएनके के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा, सपा बसपा की विचारधारा के लोग रहते, उन्होंने इस आंदोलन को अनावश्यक रूप से भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने के उन्होंने नारे। जनजागरण अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलने वाले हैं उन सब की जानकारी भी हमारे बर्तन में रखें। आज के कार्यक्रम में हम सब के मध्य आए सत्य पूरा जो भ्रम फैलाया गया है उसको दूर करने के लिए, उसको बताने के लिए लोगों को ये है, उसको बात कहा गया, सबको बताया गया। मंत्री जी आज प्रभारी मंत्री सुरेश राणा जी, हमने सभी लोग इसका वो कर रहे हैं और 12 तारीख को सबको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सांसद जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं, आज भी धरने बैठे, छात्रों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक गाँव की कहावत है, बात नहीं इंसान बातों से नहीं माने तो कैसे मानेगा। मेरा तो तरीका यही है। क्या है पूरी कहावत? मैंने तो बता दिया, जो बातों से नहीं माने, देश का माहौल खराब कर रहा हो तो उसे दूसरे रूम में मनाना चाहिए। पढ़ने के लिए आए पढ़ें, ये यूनिवर्सिटी राजनीति का अड्डा नहीं है। अगर राजनीति करनी है रिजाइन दे के बाहर आओ, फिर बताएंगे राजनीति होती क्या है। तमाम संगठन के लोग जो एएमयू में और मेडिकल में आगे जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ, जो बातों से नहीं मानेंगे वो दूसरी तरह से मानेंगे, तरीका है। भाई चांसलर तो है ही नहीं, कुछ पत्र भी लिखे जा रहे हैं, तो आप इस बात से देखिए, मेरी बात सुनिए, भाई चांसलर होना ना होना एक बराबर है।